इश्यूज तो हैं, आप देखिए एक पीटीएम का इशू है, उसको आपको सेटल डाउन करना है, नून पीपल्स पार्टी और नून लीग हमने देखा उनका पीटीएम के हवाले से क्या बयानिया रहा, फिर आप वुकला को देख लें जो एक उधम मचाने की तैयारी कर रहे हैं, ऑपोजिशन उनकी आड़ में जो है ना अपनी तहरीक उनके साथ लेकर चलना चाहती है, फिर मईशत आपके सामने है, बजट आने वाला है, ग्राउंड्स तो आप लोगों ने खुले छोड़े हुए हैं माशाल्लाह, एक जवाब तो फराहम किया हुआ है आपने इश्यूज देकर, ये बात नहीं है कि कह रही हैं। देखिए आप ये कह रही हैं कि जो हुकूमत की कमजोरियां हैं वो असल में अपोजिशन की स्ट्रेंथ बन जाएंगी, हाँ। आप यही बात कर रही हैं ना? जी 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 जी। अभी ऐसा है नहीं, वो इसलिए ऐसा नहीं है कि जो अपोजिशन की अपनी कमजोरियां हैं वो हुकूमत की कमजोरियों से बहुत ज्यादा है। और वो क्यों ज्यादा है, मिसाल के तौर के ऊपर देखिए ना, नैरेटिव आप बनाएंगे गवर्नेंस अच्छी नहीं हुई, आप कहेंगे मईशत अच्छी नहीं हुई, तो कोई पागल ही होगा ना जो कहेगा कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की सिंध में गवर्नेंस बहुत जबरदस्त हो गई है लिहाजा उनको आप उठा के उनका कद बन जाएगा, या आप कहेंगे मईशत पीएमएलएन ने बड़ी अच्छी चलाई है जो पीटीआई से नहीं चल रही तो आप उनको दे दें। देखना तो यह है कि क्या हुकूमत की जो कमजोरियां हैं वो अपोजिशन की स्ट्रेंथ हैं या नहीं है, आंसर इज नो। सो राइट नाउ जो अपोजिशन है उसके पास कोई ऐसा बयानिया नहीं है कि वो हुकूमत को कोई बड़ा चैलेंज दे सके। और ये बात आपकी बिल्कुल सही है जिस तरफ आपने निशानदेही की है हुकूमत की कमजोरियों की तरफ, या आप ये कह रही हैं कि हुकूमत के जो चैलेंजेस हैं वो अपनी जगह के ऊपर हैं, वो हुकूमत उनको कैसे फाइट आउट करती है वो हुकूमत का एक आप हिकमत अमली होगी, लेकिन उन चैलेंजेस से कोई अपोजिशन को फायदा हो रहा है, आंसर इज नो। अच्छा, बजट आने वाला है फवाद, एक दिन के बाद 11 तारीख को, आप अपने हलके में जब जाते हैं, अपने शहर जाते हैं जहलम, वहाँ पर लोगों का क्या रिएक्शन आप देखते हैं बजट के हवाले से? ज़रा लोग परेशान हैं, महंगाई से परेशान है, कोई लोगों का दुख दर्द तकलीफ कोई महसूस होती है कि पिछले 10 महीनों में पीटीआई ने लोगों को दिया क्या है, आगे परसों क्या देने जा रही है? जब जिस दिन इमरान खान ने बहैसियत पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के हलफ लिया, उसके बाद जो हालात आए कि आपको इस साल 10 अरब डॉलर वापस करने हैं, अब आप मुझे बताइए कि एक हुकूमत जो इख्तदार में आए पता चले कि आपको 10 अरब डॉलर फौरन वापस करने हैं, आप क्या करेंगे? दो ही तरीके हैं, या तो आप रीशेड्यूलिंग कराएंगे और या फिर आप इधर उधर से पैसे इकट्ठे करेंगे और पैसे देंगे। तीसरा तरीका यह है कि आप अपने कदमों के ऊपर खड़ा होने की कोशिश करेंगे। अब आप देखिए ना कि ये जो मईशत मिली है, मिसाल के तौर के ऊपर गैस है, गैस जब पीपल्स पार्टी ने छोड़ी थी एक रुपए का कर्जा नहीं था गैस के सिस्टम के ऊपर, जब पीएमएलएन ने 5 साल के बाद छोड़ी तो 157 अरब रुपए का कर्जा गैस के ऊपर छोड़ के चले गए। आपको याद होगा जब पीएमएलएन ने हुकूमत संभाली पहले महीने में ही उन्होंने 400 अरब रुपया दिया सर्कुलर डेट और कहा जी हम दोबारा सर्कुलर डेट नहीं बनने देंगे, 1250 अरब रुपये का सर्कुलर डेट छोड़ के चले गए। अब ये सारे जो मसाइल हैं ये आप कहाँ से पूरे करेंगे? जाहिर रहे आपको इकदामात कर, और यह बात बिल्कुल सही है आपकी, हमारी जो पार्टी है पीटीआई, ये मैं हमेशा ये बात करता हूं कि पीपल्स पार्टी जो थी वो पुअरेस्ट ऑफ पुअर का रेवोल्यूशन थी, गरीब तरीन आदमी का रेवोल्यूशन थी। हमारा जो इक्तदार में आना है ये मिडिल क्लास की वजह से मुमकिन हुआ है, लोअर और अपर मिडिल क्लास ने, सैलरीड क्लास ने हमें वोट दिए, वो सबसे ज्यादा मुश्किल में है और हमसे ज्यादा एहसास किसको होगा क्योंकि वही तो हमारे वोटर है। लेकिन मीडिया पर आकर आप लोग बिल्कुल ये बात करते हैं, मीडिया के थ्रू ये बिल्कुल बात समझाने की कोशिश करते हैं कि 10 अरब हमें वापस करना था, नून लीग ये छोड़ के गई, पीपल्स पार्टी ये छोड़ के गई, आम आदमी आप लोगों की ये बात समझता है? देखिए बात ये है कि ये समझाना ही लीडरशिप का काम है, और लीडर और मैं मुझे याद है कि जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो पहले हफ्ते में ही ये बात वाजे की थी जो हमारे पे और हमारी जो उस वक्त की इकोनॉमिक टीम थी कि आप ये जो बातें हैं ये लोगों को बताएं और अगर ये बातें लोगों को आप नहीं समझा सकेंगे तो लोगों में रिजेंटमेंट आएगी। मुझे लगता है कि हम उस तरह से लोगों को नहीं बता पाए जिस तरीके से बताना चाहिए था, और यकीनी तौर के ऊपर जो मैसेज जिस तरीके से एक होना चाहिए था उस तरीके से वो मैसेज नहीं गया, जिसकी वजह से एक रिजेंटमेंट हमारी जो अपना वोटर है, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम वहां पर होती है जब आपका अपना वोटर जो है वो गिला करे। अब हमारा अपना वोटर इसके ऊपर जो है जो गिला करता है उसकी वजह से हमें ज्यादा तकलीफ
तकलीफ पहुंचती है, लेकिन हकीकत यह है कि जो जो इकोनॉमी हमें मिली है वो बिल्कुल एक कि ये तबाहशुदा मईशत है, उसको संभालने में उसको करने में कुछ वक्त दरकार होगा। कल बजट आएगा, उसके बाद देखते हैं कि किस तरह से अगले 6 से 8 महीने किस तरह से गुजरते हैं, क्या बेहतरी आती है। अहम बात है अगले 6 महीने जो है वो बहुत अहम है हमारे लिए। अच्छा, ऑपोजिशन एक आम इजलास चलने नहीं देती है, हमने पिछले दिनों भी देखा किस तरह मछली मंडी जो है ना वो पार्लियामेंट हमारी बनती रही है, एक तमाशा बनती रही है पार्लियामेंट। तो परसों इतना आम दिन है, जाहिर है ऑपोजिशन अपोज करेगी, ऑपोजिशन ने बिल्कुल तैयारी की हुई है, इसी हवाले से उन लोगों ने भी अपने इजलास बुलाए हैं। आज बनीगाला में भी इजलास था, बजट हवाले से भी, इस हवाले से भी कुछ स्ट्रैटेजी आप लोगों ने बनाई है, क्या बनाई है? ऑपोजिशन अगर इस पर हंगामा करती है, कार्रवाई चलने नहीं देती है, आप लोगों ने अपने ताई क्या प्लान बनाया उस दिन? देखिए, हमारी तो कोशिश यही होगी कि अपोजिशन, देखें अगर पाकिस्तान में डेमोक्रेटिक इदारों ने आगे चलना है, अपोजिशन का एक रोल है। अपोजिशन का रोल ये है कि अपोजिशन ये कहे कि ये जो पॉलिसीज़ हैं हुकूमत की ये गलत हैं और इसके बजाय ये पॉलिसी होनी चाहिए। हमारे यहाँ जो जिसकी जो हमारा एक टिपिकल एक आई वुड से कि एक हम जो सिविल गवर्नमेंट में फंस गए हैं वो ये है कि हमारे यहाँ जो अपोजिशन है उसका काम सिर्फ ये रह गया है कि वो तनकीद करती है गवर्नमेंट के ऊपर कि ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। आप पहले 30 साल हुकूमत की, आपने क्या किया? कुछ नहीं किया। अब आप चलिए, अगर एक मुस्बत पॉलिटिक्स ये होगी, मुस्बत अपोजिशन ये होगी कि आप बताइए कि ये जो आपने किया ये गलत है, आपको इस तरह से ठीक करना है और इस तरह से आपने उसको ठीक करना है। सो वो जो एक हमारा मिसिंग है, और इजलास में अंदर जो है वो हंगामा राय से एक मीडिया अटेंशन तो मिलती है अपोजिशन को और उसमें, लेकिन अल्टीमेटली ये हो रहा है फ्रेंकली कि हमारा एज अ पॉलिटिशियन जो इमेज उनका है, एक वन पॉइंट एजेंडा ही है, वो एक ही पॉइंट पर बात करें कि ये जो बजट पेश करने जा रहे हैं IMF का बजट है, आप लोगों ने तो बनाया ही नहीं है बजट, आप लोगों की अपनी इसमें अगर बजट आप लोगों ने हुकूमत ने बनाया तो आवाम को रिलीफ मिलता, जो आप चीखे निकलवाने की बात करते थे वो निकलेंगी जब परसों बजट अनाउंस होगा। तो वो तो इल्जाम ये लगा रहे हैं कि बजट IMF ने बनाया, उनकी शरायत पर बनाया गया ये बजट। तो देखो ना, अब आपके सामने जो है वो आ चुका है, आपका पिछले साल का जो आपका मुआशी अशारिये हैं वो तो सारे के सारे अब आपके सामने आ चुके हैं। आपने बजट इसके मुताबिक ही परसों काबीना का स्पेशल इजलास बुला लिया गया है, उसमें आपके सामने जो हमारे सामने बजट आएगा। अब अपोजिशन का ये काम है कि काउंटर बजट पेश करें और वो कहे कि ये जो अशारिये हैं ये इनमें इनके मुताबिक हम अपना शेडो बजट पेश कर रहे हैं और उस बजट में हमारी तजावीज़ यही है, ताकि उस पर कोई बहस तो हो, कोई बात तो आगे चले। लो आते हैं, शोर मचाते हैं, वॉकआउट होता है, चले जाते हैं, अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह, लोगों के करोड़ों रुपये ऐसी में खर्च हो जाता है। और फिर लोगों को जो है वो इसके ऊपर भी प्रॉब्लम है कि आप जब भी आते हैं नैब के केसेस पे बात करते हैं, अपने अपना दिफा देते हैं और आप वॉकआउट करके चले जाते हैं। देखिए, एज ए कॉमन मैन क्या दिलचस्पी है किसी आम आदमी को कि शहबाज शरीफ साहब जेल जाएं और उनके ऊपर क्या केसेस हैं क्या नहीं है। सो असम्बली का ओवरऑल माहौल है उसको बेहतर बनाने की ज़रूरत है, उसमें एक पॉजिटिव डिबेट लाने की ज़रूरत है, और वो मुमकिन नहीं होगा अपोजिशन के मुस्बत रवैये के बगैर।